प्रश्न माला 2G अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक पुस्तक का मूल 86 रुपया 75 पैसे है तो ऐसा ही 14 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए लिखेंगे 14 पुस्तकों का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया है 86 रुपया 75 पैसा, तो हम 86.75 रुपया इसको लिख लेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो इसको हम देखिए 75 है, 75 पैसा, तो 75/100 करेंगे, तो यानी 0.2 अंक पहले आएगा, ठीक है। तो 86.75 रुपया हो जाएगा ये, गुने 14 रुपया, ठीक है, नहीं 14 पुस्तक, सॉरी यहाँ रुपया लिख दिए, 14 पुस्तक का हमको निकालना है। एक पुस्तक का दाम दिया हुआ है 86.75 रुपया, गुने 14 पुस्तक करेंगे तो 14 पुस्तकों का मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, दायां से 2 अंक के पहले है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले लगा देंगे, तो 1214.50 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1214.50 पैसा, यानी 1214.50 रुपया इसको बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 किलोग्राम दूध से 14 ग्राम घी बनता हो तो 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितने किलोग्राम घी बनाई जा सकेगी। तो इसमें लिखेंगे देखिए 15 किलोग्राम 750 ग्राम दूध से कितना घी बनेगा, तो 15.750 किलोग्राम गुने 0.014 किलोग्राम घी बनाई जा सकेगी। अब देखिए ये 15.750 कैसे हुआ, 750 ग्राम है, ठीक है, तो 15 किलो है, तो 15.750 किलोग्राम लिख देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 750 ग्राम में 750/1000 किलोग्राम हो जाएगा, भागा हो जाएगा 1000 से, तो 3 0 है, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 15.750 किलोग्राम हो जाएगा ये। और कह रहा है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि आंसर किलोग्राम में पूछ रहा है, ठीक है, कितना घी बनेगा, तो हम इसको 14 को 1000 से भागा देंगे, तो देखिए 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 0 होता है, तो 1 0 लगा देंगे, यानी 0.014 किलोग्राम। इसको गुना करेंगे, देखिए 15.750 से 0.014 गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 इतना आ जाएगा। अब देखिए दशमलव कितना अंक पे है, 1 2 3, दायां से इसमें 1 2 3, यानी 6 अंक हुआ दोनों मिला करके, तो 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव के यहाँ लगाएंगे तो आगे 0 देंगे, यानी ये हुआ इतना किलोग्राम, ठीक है, घी, तो इतना किलोग्राम निकलेगा, तो इसको हम लिख देंगे, तो इसको हम 0.2205, बाद वाला 0 हटा भी सकते हैं, ठीक है, रहने दें या हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इतना आंसर आएगा, या 0 रहने दें या इस तरह से लिख दें 0 हटा करके, तो इतना आंसर आ रहा है, तो इतना घी निकलेगा किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अमित ने 3 किलोग्राम 8 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 75 ग्राम अंगूर और 8 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। यदि प्रति किलोग्राम सेब अंगूर और आम का मूल्य क्रमशः 35 रुपया 40 रुपया और 27 रुपया हो तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा का लिखेंगे, खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो 35 रुपया के हिसाब से क्या खरीदा वो, 3 किलोग्राम 8 ग्राम सेब, तो पहले हम इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि 35 रुपया 1 किलोग्राम, 1 किलो सेब का दाम है, तो इसको पहले हम 3 किलोग्राम 8 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में बदल लेंगे, तो 3.008 किलोग्राम हो जाएगा, 8 ग्राम है, तो 2 0 लगा देंगे और दशमलव दे देंगे, तो यह किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब देखिए 40 रुपया के हिसाब से, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्या खरीदा, अंगूर कितना खरीदा, 2 किलो 75 ग्राम, तो हम इसको किलोग्राम में लिख देंगे, यानी 2.075, ठीक है, ग्राम को किलो में बदल देंगे, 1000 से भागा देखे, यहाँ पे देखिए 27 रुपया के हिसाब से क्या खरीदा, आम, आम कितना खरीदा, 8 किलोग्राम 300 ग्राम, तो यहाँ पे 8.300 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 300 ग्राम है, तो दशमलव लगा देंगे, तो यह किलोग्राम में हो जाएगा, तो 0.300 हो गया किलोग्राम, यानी 8.300 किलोग्राम,
तो आप देखिए इन तीनों को गुना करके फिर जोड़ देंगे तो हमको कुल मूल्य निकल जाएगा इसका फल का। तो इसको देखिए गुना करेंगे 35 गुने 3.008 गुना करेंगे तो आएगा 105.280, और 40 गुने 2.075 गुना करेंगे तो आएगा 83.000 प्लस, सब रुपया में आ रहा है ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के रुपया दे दिया है यहाँ पे। 27 गुने 8.3300 करेंगे तो 224.100 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 412.380 आएगा, आंसर है 412 रुपया 38 पैसा। तो 380 को हम 38 पैसा भी 380 को हम 80 पैसा बोल सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 412.38.380 रुपया या 38 रुपया। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 412.38 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शुभम 15 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें 3 किलोग्राम 250 ग्राम प्याज, 4 किलोग्राम टमाटर और शेष आलू है। यदि प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपया है तो शुभम द्वारा खरीदी गई आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम आलू का वजन निकालेंगे कि शुभम जो है आलू कितना खरीदा। तो टोटल सब्जी जो है 15 किलो खरीदता है ठीक है, और उसमें से 3 किलोग्राम 250 ग्राम क्या खरीदता है, प्याज। तो उसको हम पहले किलोग्राम में बदल लेंगे, यानी 3.250 किलोग्राम किलो क्या खरीदा प्याज, और 4.00 किलो क्या खरीदा टमाटर ठीक है। तो पहले दोनों को किलोग्राम में बदल लिए हैं। अब देखिए ये तो पहले से किलो में था तो इसको बस 0.00 लगा देंगे दशमलव देके। अब 15 से दोनों को घटा देंगे तो आलू का वजन हमको निकल जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 437.250 ठीक है, इन दोनों मिला के टमाटर और क्या खरीदा है प्याज, तो इन दोनों मिला के हो गया 7.250 किलोग्राम। तो अब देखिए आलू निकल जाएगा तो आलू कितना हो गया, 15 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7.750 किलोग्राम ठीक है। देखिए 250 यहाँ पे देखिए 15.00 है ठीक है, और उसमें से ये घट रहा है 250। देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं 15.00 से 7.250 घटाना है, तो 0 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 14 में 7 गया, देखिए 7.750 आ गया। तो यहाँ पे 15 से जब भी घटाना है तो दशमलव के बाद 0.00 दे देंगे, उसके बाद घटाएंगे इस तरह से ठीक है। तो ये रफ में बस करके बताए हैं, इसको नहीं लिखना है ठीक है। तो आ गया 7.750 किलोग्राम आलू। अब देखिए आलू का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो आलू का मूल्य कैसे है, आलू कैसे किलो है, 8 रुपये है ठीक है। तो कितना खरीदा 7.750, तो 8 से इसको गुना करेंगे तो देखिए गुना करते हैं 0 8 5 40, 8 7 56 4 60, हाथ में रहा 6 8 7 56 6 62, और फिर देखिए 3 अंक के पहले है तो 3 अंक के पहले यानी 62 रुपया उसको लगेगा, 62.00 का हम 62 रुपया बोल सकते हैं ठीक है। तो इसका आंसर होगा 62 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सीमेंट के कुछ बोरियों का मूल्य 3,150.40 रुपया है, यदि एक बोरी सीमेंट का मूल्य 196.90 रुपया है तो सीमेंट के बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सीमेंट के बोरियों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि कितना सीमेंट के बोरी खरीदा हो ठीक है। तो सीमेंट के कुछ बोरियों का मूल्य कितना है, 3,150.40 रुपया है ठीक है, और एक बोरी सीमेंट का मूल्य 196.90 रुपया ठीक है। तो कितना बोरी खरीदा, मतलब टोटल रुपया दिया है यहाँ पे और एक बोरी का दाम दिया है, तो इससे भागा देंगे अब तो हमको सीमेंट के बोरियों कितना बोरी खरीदा वो निकल जाएगा, तो इसके भागा देना है हमको। तो देखिए दो दो अंक पहले दायां से, एक दो दो अंक है इधर से भी, दशमलव के बाद दो दो, दोनों दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि दो दो अंक बराबर बराबर अंक पे भागा हो रहा है, मतलब दशमलव है तो भागा हो रहा है तो हट जाएगा दशमलव। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो ये बच गया 3,31,504/1,969 ठीक है। अब देखिए भागा देते हैं इसको, तो यहाँ पे देते हैं भागा 1,969/31,504,
भागा देते हैं तो देखिए कितना बार में लगे। पहले एक बार में लगे क्योंकि 3150 है, यहाँ 2000 के करीब है, तो 4000 से ऊपर रहता तब यहाँ पे लगता दो बार में। तो एक बार में लगाएंगे यानी 1 9 6 9, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 6 गया 8, और ये बच गया 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 2 में से 1 गया, यानी 1181। फिर 4 उतारेंगे तो ये लग जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो 6 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बोरी आ गया, 16 बोरी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कुल बोरी की संख्या कितना है, 16। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 13 किलोग्राम चावल का मूल्य 282.75 रुपया है, प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमसे पूछ रहा है, यानी प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य निकालना है। 13 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है, देखिए 282.75 रुपया, तो ये दिया हुआ 13 किलोग्राम चावल का मूल्य। 1 किलोग्राम निकालेंगे, 13 से भागा दे देंगे, तो इसको देखिए भागा देते हैं। 13 दूनी कितना होता है, 26, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 22 उतरा। फिर एक बार में लगाएंगे तो 13 यानी 22, 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ पे देखिए 7 उतरेगा, तो 7 है दशमलव के बाद, तो यहाँ दशमलव देंगे। 13 7 कितना होता है, 91, तो ये बच गया 6, यहाँ पे 5, 13 5 65, यानी 21.75 रुपया, ठीक है, 21.75 रुपया इसका आंसर आएगा। देखिए ये रुपया लिखा हुआ है, 2 नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 21.75 रुपया, ठीक है। देखिए 7वां, 17 गुड़ की पट्टियों का वजन 256.02 किलोग्राम है, ऐसा ही 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालिए। तो देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालने के लिए कह रहा है, और हमको दिया हुआ है 17 गुड़ की पट्टियों का वजन है 256.02 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए एक एक गुड़ की पट्टियों का वजन पहले निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 256.02 को 17 से भाग करेंगे तो 1 गुड़ की पट्टियों का वजन आ जाएगा, फिर 12 से गुना कर देंगे तो 12 गुड़ की पट्टियों का वजन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको काटते हैं, तो 17 से ये कितना बार में कटेगा, देखिए 17 से इसको भागा देंगे या काटेंगे, बात एक ही है। तो 17 से एक बार में लगा, ठीक है, 25 है तो एक बार में लगेगा, तो इधर कितना गया, 17 3 20 और 5 8 गया, तो 86 हो गया, यानी 17 5 85 से लगाएंगे। तो देखिए अब आया यहाँ पे 1 घट के, ठीक है, तो फिर 0 2 जाएगा, तो 17, फिर यहाँ पे 0 देंगे और 17 6 102, तो ये हो गया 15.06 किलोग्राम किसका, 1 गुड़ की पट्टियों का। अब 15.06 को 12 से गुना करेंगे, तो इसको 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 180.72 किलोग्राम, यानी 12 गुड़ की पट्टियों का वजन हो गया 180.72 किलोग्राम। देखिए अगर भागा नहीं समझ में आया हो तो हम यहाँ पे कर दिए हैं, 17 से इसको भागा देंगे तो एक बार में पहले 17 आएगा, फिर देखिए 8 आया घट के, तो 6 उतारेंगे तो 17 5 85, फिर 1 आया तो 2 अंक उतारेंगे तो इसीलिए 0 देंगे, और दशमलव के बाद है 0 2, तो दशमलव पहले यहाँ देंगे उसके बाद 0 देंगे 2 अंक के लिए, तो 102 कट गया। अब देखिए 15.06 से 12 को गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 अंक के दायां से 2 अंक के बाद है दशमलव, पहले है 2 अंक के दायां से 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी दायां से 2 अंक के बाद दे देंगे तो आ जाएगा 180.72 किलोग्राम, 12 गुड़ की पट्टियों का वजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 बराबर संख्याओं का योगफल 37.8015 है, तो प्रत्येक संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 3 बराबर संख्याओं का योगफल है 37.8015, ठीक है। तो देखिए कह रहा है प्रत्येक संख्या क्या है, तो 3 से भागा दे देंगे, जैसे मान लीजिए 3 बराबर संख्याओं का योग है 9, तो देखिए 3 से, जैसे कि देखिए 6 है तो 6 को हम 3 से भागा देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 2 2 4 2 3 6, उसी तरह यहाँ पे 3 से भागा दे देंगे तो प्रत्येक संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 3 से 37.8015 को भागा देंगे तो पहले एक बार में लगाएंगे, देखिए 3 कट जाएगा, फिर 7 उतारेंगे तो 3 2 6, फिर देखिए दशमलव के बाद 8 उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 1 घट गया था 18 हो गया ये, तो 3 6 18,
आप देखिए जीरो देंगे तो जीरो के बदले भी यहाँ पे एक जीरो देंगे क्योंकि जीरो नहीं लगेगा। आप दो अंक उतारेंगे 15 तो उसके बदले एक जीरो देंगे, ठीक है, तो 3 5 15 यानी आंसर हो जाएगा 12.6005। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1579.3128 है और यदि इनमें एक संख्या 112.8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि गुणनफल दिया है दो संख्याओं का, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या का निकालने के लिए हम भागा दे देंगे, ठीक है, गुणनफल को एक संख्या से भागा देंगे। तो देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना होगा क्योंकि एक अंक के बाद है दशमलव दाहिना से, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए, यानी 1.10 से गुना करने पे दशमलव जो है दायां तरफ घसकेगा यानी 3 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.128 भागा 1128, ठीक है। देखिए 1.10 जो है 9 के बाद था तो 3 के बाद आ जाएगा, दायां तरफ घसकेगा दशमलव जब भी गुना होता है एक जीरो से यानी 10 से, 2 जीरो तक 2 अंक घसकता। तो अब देखिए इसको भागा देते हैं तो 1128 भागा 15793 भागा 128, ठीक है। अब इसको देखिए भागा देते हैं तो देखिए इसका आंसर आएगा 14.001। कैसे आएगा वो देखिए, भागा देंगे तो पहले एक बार में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1579 है और 1128 है तो एक बार में लगेगा तो घट के आएगा देखिए 451, फिर 3 उतारेंगे तो फिर 4 बार में लगाएंगे 4512। उसके बाद देखिए दशमलव बाद वाला अंक उतर रहा है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले 12 उतारेंगे 2 अंक तो उसके लिए एक जीरो देंगे, नहीं लगा तो फिर 8 उतारे तो फिर उसके लिए एक जीरो दिए, फिर एक बार में ये खत्म हो गया तो इसका आंसर आ गया 14.001। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 15 मीटर कपड़ा का मूल्य 836.25 रुपया है तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 836.25/15 कितना रुपया आएगा, कैसे 15 मीटर का हमको दिया हुआ है इतना रुपया तो 1 मीटर का भागा करेंगे, ठीक है, यानी इस इतना को इस 15 से भागा देंगे तो इसको देखिए 15 से भागा देते हैं, यहाँ पे 15 से 836.25 तो पहले कितना से लगाएंगे 5 बार में तो 15 5 होता है 75, तो 75 यहाँ पे लिखेंगे तो 13 में से 5 गया 8, ठीक है, फिर 6 उतारे तो फिर 75, 15 5 75 से लगाएंगे, 6 में से 5 गया 1 और 8 में 7 गया 1, फिर देखिए 2 उतारे हैं दशमलव के बाद वाला तो यहाँ दशमलव देंगे, फिर 15 7 105 तो यहाँ पे 105 लिखेंगे, यहाँ पे 7 आएगा घट के, फिर 5 उतारेंगे तो 15 7 नहीं 15 5 75 तो यहाँ पे 75 देखिए कट गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.75 रुपया, माफ कीजिए 15 नहीं 55.75 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी एक कपड़ा का मूल्य निकल गया 55.75 रुपया। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।